हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत से। देखिए, यहाँ पर आपके जो अतिथि शिक्षक हैं यानी कि गेस्ट टीचर हैं, उनसे संबंधित ये अपडेट है। ये आपकी काउंसलिंग के संबंध में अपडेट है कि आपकी काउंसलिंग होनी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसमें देखिए, जो चंपावत में जो काउंसलिंग होनी है उससे संबंधित ये जानकारी है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक आपकी सूचना यह है कि यदि इसमें शासन के द्वारा जो भी आदेश आता है तो आपकी चौथी काउंसलिंग होगी, नहीं अन्यथा आप ये समझें कि आपकी अब नेक्स्ट भर्ती आने वाली है। अगर कोई प्रशासन से आ जाती है जानकारी तो आपकी काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपकी चौथी काउंसलिंग हो, क्योंकि अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे हैं या पहुँच नहीं रहे हैं, जिस कारण चौथी काउंसलिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यदि ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको इससे संबंधित सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें देखिए, महत्वपूर्ण रूप से आप देखिए, इसमें कहा गया है कि आप ये इसमें आप पहुँचें 11 बजे, आपकी ये काउंसलिंग होगी चंपावत में। देखिए, नई ये जो भी आपने आवेदन किया था उसके अकॉर्डिंग इसमें लिस्ट तैयार की गई, आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट दे रखी है स्कूल एजुकेशन की, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर आप जो भी आपने आवेदन किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे आवेदन करते समय, उसके मूल प्रमाण पत्र का सत्यापित होंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना है और आपकी काउंसलिंग भी की जानी है। उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसी दिन आपका क्या होगा, आपके साथ ही साथ उसमें आपकी काउंसलिंग होगी। और जो भी आपने आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे या आपने जो भेजे थे उनकी मूल प्रति आपको ले जाना आवश्यक है, क्योंकि आप और आपको फ़ोटो भी ले जाने हैं, और आपकी आईडी जो भी आपके पास आईडी है वो आईडी भी आपको ले जानी है, और आपको 11 बजे पहुंच जाना है। इसमें आपके देखिए, प्रवक्ता गणित अंग्रेजी भौतिक रसायन विज्ञान विषय के पद हैं, और ये आपके चंपावत में जो चंपावत में सभागार कार्यालय है उसमें ये आपकी काउंसलिंग होगी। या बाकी आपको डिटेल में जानकारी देखनी है तो ये वेबसाइट दे रखी है, उस पर जाकर दे सकते हैं। और ये आपकी कितनी तारीख को होने वाली है, यह आपकी 3 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो भी दस्तावेज होते हैं वो आपके पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि सत्यापन करके ही आपकी काउंसलिंग मानी जाती है। आपको इसमें कोई भी अगर लगता है त्रुटि है या कुछ और भी कमी है तो आप एक शपथ पत्र ले जा सकते हैं अपने साथ में। शपथ पत्र से ये होता है कि आप उस चीज़ का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम इसमें भविष्य में प्रस्तुत कर देंगे ये डॉक्यूमेंट। अगर नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाता है, ये आप ऐसा शपथ पत्र बनता है, तो ये एफिडेविट बनता है कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है या मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे कल मैं आने वाले टाइम में ये उपलब्ध करा दूँगा। यदि नहीं कर पाता हूँ तो मेरा आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। एक शपथ पत्र होता है ऐसा, उसको भर के आपको देना होता है और आपकी काउंसलिंग हो जाती है। बस ये होती है काउंसलिंग, और आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं।